अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे चिकन शावरमा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने इसको देसी स्टाइल में बनाया है ऐसे तो जो ऑथेंटिक शावरमा है वो भी खाने में बहुत टेस्टी होता है बट हम लोगों को थोड़ा फीका लगता है तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में थोड़ी वेरिएशंस की हैं आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं तो जो चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए पहले उनको देख लीजिए आपको चाहिए होगी पीटा ब्रेड उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और इसके अलावा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए होगा नमक हसबाई का वन टी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर वन टी अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर वन टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर वन टेबल स्पून का रस दो टेबल स्पून भर के दही और वन टेबल स्पून भर के बारबेक्यू सॉस 300 से 400 ग्राम चिकन बोनलेस थाए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और यहाँ पे आ, मैं इस्तेमाल करूँगी मैलेट इसको आप एक तरह की वुडन हथौड़ी कह लें तो इससे मैं चिकन को पाउंड करूँगी यानी कि प्रेस करूँगी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो घर में रेगुलर रोटी बनाने का बेलन होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये स्टेप ज़रूर कर लीजिएगा ये कर लेने से इसकी कुकिंग भी फास्ट हो जाती है और ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगा स्टेप नंबर वन चिकन को मैरिनेट कर लें तो सबसे पहले बोल में ऐड करें दही नीमू का रस अदरक लहसुन का पेस्ट बारबिक्यू सॉस नमक हसबका लाल मिर्चों का पाउडर काली मिर्चों का पाउडर ज़ीरा गरम मसाला पाउडर और अब आप इसको मिक्स करके चिकन के पीसेस को इसमें अच्छे से मैरिनेट कर दें आप राइट अवे भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी स्टेप नंबर टू शवरमा बनाने के लिए आपको सब्जियाँ चाहिए तो दो कप बंद गोभी दो कप लेटस एक कप शिमला मिर्च एक कप खीरा और थ्री टू फोर टेबल स्पून धनिया चॉप किया हुआ इसके अलावा आपको चाहिए होगा नमक हसबाई का टू टू थ्री टेबल स्पून सिरका और वन फोर्थ कप पानी स्टेप नंबर थ्री सब्जियों को मैं थोड़ा सा स्टीम करूँगी तो एक पैन में पानी लेके उसको गर्म कर लें उसके ऊपर स्ट्रेनर रख के बंद गोभी खीरा और शिमला मिर्च ऐड करके इसको कवर करके सिर्फ पाँच मिनट के लिए आपने इसको स्टीम करना है पाँच मिनट के बाद बहुत केयरफुली सब्जियों को एक बोल में निकाल लें और अब इसमें आप ऐड करें वन फोर्थ कप पानी सिरका यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें नमक हसबाइका क्योंकि शवरमा में पिकल्ड सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं तो सिरका आप आ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे साथ में ऐड कर दें लेटस चॉप किया हुआ हरा धनिया और अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लें और यह शवरमा में एज ए फिलिंग जाएगा सब्जियां जो आपको पसंद है आप उनको यूज़ कीजिए स्टेप नंबर थ्री एक पैन में तकरीबन दो टेबल स्पून तेल ऐड करके जो मैरिनेट किया था चिकन उसको आपने 12 से 15 मिनट कुक कर लेना है जब चिकन अच्छे से पक जाए और उस पर थोड़े ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएं तो उसको आप एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दें चिकन ठंडा हो जाने के बाद उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लें अगर आपको क्रिस्पी चिकन पसंद है तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके या बटर हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें तो आपकी चिकन क्रिस्पी हो जाएगी तो यहाँ पे चिकन अब बिल्कुल रेडी है लास्ट स्टेप में शवरमा को असेंबल करना है तो उसके लिए आपको चाहिए पीठा ब्रेड चिकन जो कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं इसके अलावा मेनीस रेगुलर वो मैं यूज़ करूँगी सैलड ये भी पहले से प्रिपेयर कर लिया था आपको कैचअप आप चाहिए होगी इसके अलावा टूथपिक्स चाहिए होंगी और बटर पेपर अगर आप इसको रैप करना चाहते हैं तो अब सबसे पहले इसके ऊपर मेनीज लगाएँ मैंने मेनीज में तकरीबन हाफ कप होगी तो थ्री टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था इसके बाद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें कैचअप ऐड करें अब चिकन की फिलिंग रख दें जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा इसके बाद इसमें सब्जियाँ ऐड कर दें जितनी आपको पसंद है और आप ये देखें कि सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल रॉ नहीं हैं स्टीम होने की वजह से ये क्रंची भी रहेंगी और पिकल्ड भी हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी आखिर में थोड़ी सी और मैनीज ऐड करें ये ऑप्शनल है और अब केयरफुली इसको रैप करके आप टूथपिक से इसको सिक्योर कर दें अगर आपके पास सैंडविच प्रेस है तो इसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल भी कर सकते हैं औरिजनली शमा में गार्लिक सॉस हमस और ताहिनी सॉस इस्तेमाल की जाती है इनशाला उन सब की भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। बट एज आई सेड के uh, मैं देसी स्टाइल पे बनाऊंगी, तो ट्राई करें इस शवरमा की रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार होममेड हेल्दी शवरमा है ये और इस रेसिपी से आप आसानी से सेवन uh, इंच के छः शवरमा तैयार कर सकते हैं अब शवरमा तो आप बाद में बनाइएगा लेकिन अभी राइट नाउ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़